Hello students, how are you all? I hope you all are good at your home. My name is Vinay Patidar. I will teach you social science, that is geography of class 9, and will begin by the chapter first, that is the India size and location. India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic process during the last 5 decades. मतलब पिछले 50 सालों में इंडिया में बहुत सारे ऐसे मल्टी फैसेटेड सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस हुए हैं और ये इंडिया बहुत पुराना देश है. एंशियंट सिविलाइजेशन बहुत सारे एग्जिस्ट करी है. इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब इंडिया हैज मूव ऑन इन द इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर फील्ड सर्विस टेक्नोलॉजी मतलब सब तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है. सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की कि लोकेशन होती क्या है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. मतलब जैसे ये एक ग्लोब है जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करती है. द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ये इंडिया की लोकेशन है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इसकी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे डिग्री और 30 मिनट्स नॉर्थ. अब हम लोकेशन को कैसे जानेंगे. ये जो चीज होती है 23 डिग्री, ये तो डिग्री हो गई. फिर 30 मिनट्स हम बोलेंगे बाद में. 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. एक जो मिनट होता है वो एक नॉटिकल माइल्स के बराबर होता है. तो ये हम ऐसे मेजरमेंट करते हैं. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू गो. सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लो जैसे यहाँ इंडिया है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल यहाँ से निकलता है. तो इंडिया को दोनों पार्ट दो हिस्सों में वो बांटता है. तो दिस साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड लाइक द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल. जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो कि लक्षद्वीप लाई इन फिर बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड फ्रॉम योर एटलास. एटलास आपने देखी होगी एक गोल गोल शेप में बॉल के शेप में अपन बोल सकते हैं. फुटबॉल के शेप में एक इतनी बड़ी एटलास होती है जिसके अपन उसको फाइंड आउट बहुत सारे देश लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड हम उसके यूज से हम फाइंड आउट करते हैं. बिल्कुल वो गोल शेप की होती है. फिर हम बात करेंगे साइज के बारे में. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो इंडिया का जो लैंड मास है वो उसका मेजरमेंट क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इतना बड़ा है लैंड मास. इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. मतलब जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का इंडिया का 2.4% है. फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. एक फिगर दे रखा है जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री कौन है. रशिया फिर कनाडा फिर यूएसए देन चाइना ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. सो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री. इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर. द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर. मतलब कि एक तो सेवन लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया. फिर हम अगर लैंड बाउंड्रीज के बारे में बात करें जो बाउंड्रीज है इंडिया की. जैसे ये इंडिया है तो ये जो बाउंड्री है इंडिया की वो कितनी लंबी है
15,200 किलोमीटर इतनी लंबी बाउंड्री है। फिर हम बात करेंगे कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, मतलब अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है वो लेफ्ट की साइड होता है इंडिया के और राइट की साइड क्या होता है लक्षद्वीप। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7,516.6 किलोमीटर का है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे से माउंटेन्स होते हैं। जैसे इंडिया का ये मैप होता है, सो ये जो नॉर्थ पार्ट जो है इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों जगह जो टॉप मोस्ट जो लेयर है ऊपर वहाँ माउंटेन्स बहुत सारे होते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इंटू टू सीज, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। मतलब कि इस साइड ये मैप है इंडिया का, इस साइड जो होता है बे ऑफ बंगाल होता है, इस साइड होता है अरेबियन सी और नीचे होता है इंडियन ओशन। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। 1.3 जो ये इस फिगर में आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, जो कि कहाँ एक्सटेंड करता है वो 30 डिग्री एक्सटेंड करता है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। मतलब जो ईस्ट और वेस्ट जो एक्सटेंड है वो स्मॉल लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ और साउथ एक्सटेंड में। मतलब कि इंडिया, अगर हम इंडिया की ऐसे देखें तो ये छोटा है और ये लंबा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। मतलब गुजरात यहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पाया जाता है, इन दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minutes east, passing through Mirzapur, Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. जो मिर्ज़ापुर का जो standard time है 82 degree 30 minutes पर जो पाया जाता है मिर्ज़ापुर, वहाँ का पूरे इंडिया का टाइम चलता है। मतलब उस टाइम के हिसाब से पूरे इंडिया में टाइम चलता है क्योंकि वो पीछों पीछे है। इस टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हैज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड लर्न अबाउट द साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब हम कंपेयर करेंगे कितने प्लेट्यूज होते हैं, कितने पेनिनसुला, कौन सा रीजन होता है एंड एट्सेट्रा। थैंक यू सो मच।